की लाइनें आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित करूंगा, और एक बार भी मैं ताने ताली बजाऊं की कुन कुन जे मेरी बात में सच्चाई लगे तो पछ ताली नहीं रुकनी चाहिए। सरवण आ गया सोली के मां, सरवण आ गया सोली के मां राजी जनता सारी होगी, सरवण आया सोली के मां राजी जनता सारी होगी। सरपंच रिसाल देवी ने शंख बजा दिया, इब जीतन की तैयारी होगी। सरपंच रिसाल देवी ने शंख बजा दिया, इब जीतन की तैयारी होगी। सोली सरपंच न्यू कैरी, सोली सरपंच न्यू कैरी सरवण ने चुनाव जितावेंगे, सोली सरपंच न्यू कैरी सरवण ने चुनाव जितावेंगे। प्रचार शुरू करा सोली ते कड़गांव ईरवा तक जावेंगे, प्रचार शुरू करा सोली ते कड़गांव ईरवा तक जावेंगे। 11 पंचायत मारी इराकी एक तरफा वोट गिरावेंगे, 11 पंचायत मारी इराकी एक तरफा वोट गिरावेंगे। श्री कृष्ण जी के वंशजा, श्री कृष्ण जी के वंशजा ना उल्टा कदम हटावांगे, श्री कृष्ण जी के वंशजा ना उल्टा कदम हटावांगे। कैबिनेट में द्या बना मंत्री, कैबिनेट में द्या बना मंत्री, फिर गाड़ी भी या सरकारी होगी। सरवण आया सोली के मां राजी जनता सारी होगी, सरवण आया सोली के मां राजी जनता सारी होगी। उस चश्मा ने तार बगा दिया, उस चश्मा ने तार बगा दिया जिसके बीजेपी के चढ़ रहे से, उस चश्मा ने तार बगा दिया जिसके बीजेपी के चढ़ रहे से। 5 साल कुर्ते झड़काए इब दोष किसे पमंडरे से, 5 साल कुर्ते झड़काए इब दोष किसे पमंडरे से। पिछली हार का बदला लेंगे वे बोल मरी छाती के मैं गडरे से, पिछली हार का बदला लेंगे वे बोल मरी छाती के मैं गडरे से। काम करनिया यो सरवण बैठा, काम करनिया यो सरवण बैठा न्यू मारे हौसले बढ़ रहे से, काम करनिया यो सरवण बैठा न्यू मारे हौसले बढ़ रहे से। बीजेपी के सामी के बीजेपी सरवण के सामी बीजेपी की, सरवण के सामी बीजेपी की इनका हार के सूती भारी होगी। सरवण आया सोली के मां राजी जनता सारी होगी। सरपंच रिसाल देवी ने शंख बजा दिया, इब जीतन की तैयारी होगी। आप सब लोग जानते हैं माननीय विधायक जी, सारे की सारी कम्युनिटी समाज जो 36 जाति हैं, बिरादरी हैं, प्रत्येक धर्म के लाडले नेता हैं, और इस प्रकार इस बार इनको कौन कौन सी जाति, कौन कौन से समुदाय इनको आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे हैं वो सुनना। नाई छिपी कुमावत जांगिड़, नाई छिपी कुमावत जांगिड़ ये यादों के हम हटते ना, नाई छिपी कुमावत जांगिड़ यादों के हम हटते ना। SC ST और माली गुजर, SC ST और माली गुजर डटे ते भी डटते ना, SC ST और माली गुजर डटे ते भी डटते ना। ब्राह्मण बनिया ये सोनी जी, ब्राह्मण बनिया सोनी जी, और ब्राह्मण बनिया सोनी जी ये मुस्लिम भी नारे फटते ना, ब्राह्मण बनिया सोनी जी ये मुस्लिम भी नारे फटते ना। जाट राजपूत सरवण के साथी काटे तभी कटते ना, जाट राजपूत सरवण के साथी काटे तभी कटते ना। मनियार खटीक धोबी तेली, मनियार खटीक धोबी तेली और एक जात साथ या रहबारी होगी। सरवण आया सोली के मां राजी जनता सारी होगी। सरपंच रिसाल देवी ने शंख बजा दिया, इब जीतन की तैयारी होगी। और अंतिम जो पंक्ति है वो माननीय विधायक जी की तरफ से प्रेजेंट करना चाहता हूं। हाथ जोड़ के सरवण कह रहा, हाथ जोड़ के सरवण कह रहा मेरी तान बजाओ, हाथ जोड़ के सरवण कह रहा मेरी तान बजाओ। कर दो गलती माफ मेरी इब के चुनाव जिताओ, कर दो गलती माफ मेरी इब के चुनाव जिताओ। 42 साल की राजनीति की मेरी, 42 साल की राजनीति की सब मिलकर साख बजाओ, 42 साल की राजनीति की सब मिलकर साख बजाओ, बचाओ। अर्ज कराइयो रोहित नेरा, अर्ज कराइयो रोहित नेरा सरवण को गले लगाओ, अर्ज कराइयो रोहित नेरा सरवण को गले लगाओ। आगे नहर का पानी पियाने की, आगे नहर का पानी पियाने की फिर सरवण की जिम्मेदारी होगी। रिसाल देवी ने शंख बजा दिया, इब जीतन की तैयारी होगी। सरवण आया सोली के मां राजी जनता सारी होगी। मेरी माननीय ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जनता, वर्तमान में आप सब लोग जानते हैं कि भारत में दो प्रकार की विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। एक वो विचारधारा, एक वे लोग जो लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं, और एक हम कांग्रेस पार्टी के लोग जो इस देश को जोड़ने का काम करते हैं। आप हम सबको इस बात का गर्व करना चाहिए कि हम सब सरवण कुमार के सिपाही हैं, हम सब कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, और हमारे पास
कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और हमारे पास इस देश को आजाद कराने का इतिहास है, इसीलिए हमको इस विचारधारा को साथ लेकर के जाना होगा। हम लोगों को उस रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर गांधी जी चले थे और एकता का संदेश दिया था। हम सबको उस रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर पंडित नेहरू चले थे और साहस का परिचय दिया था। हमको उस रास्ते पर चलना है जिस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चले थे और समानता का संदेश दिया था। हमको इस देश में नफरत को हराना है, मोहब्बत को जिताना है, संविधान की आवाज को बुलंद करना है, उन नफरती ताकतों को हरा करके संविधान की आवाज को बुलंद करके गांधी के रास्ते पे चलेंगे और अंबेडकर के विचारों को आगे लेकर के जाएंगे। दो लाइनें विधायक जी के लिए और कह के मैं अंत में समय मेरा बात खत्म करता हूं। चाहते तो मखमल पर सोते चद्दर ताने, चाहते तो मखमल पर सोते चद्दर ताने, आवश्यकता क्या थी जो निकले खून पसीना बहाने। चाहते तो मखमल पर सोते चद्दर ताने, आवश्यकता क्या थी जो निकले हैं खून पसीना बहाने। सुनो सुनो मेरे भारत के बेटे, भारत के दीवाने, सूरज से भी ज्यादा जलते हैं मिट्टी के परवाने। कुछ आते हैं धरती पे खाने और कमाने, शरण कुमार जी जैसे आते हैं धरती पे धरती का कर्ज चुकाने। एक बार आप सब लोग मेरे साथ नारा लगाएंगे, अब की बार शरवण कुमार, अब की बार शरवण कुमार। मैं बोलूंगा काम किया दिल से, आप बोलना शरवण कुमार फिर से। काम किया दिल से शरवण कुमार फिर से, काम किया दिल से शरवण कुमार फिर से, काम किया दिल से शरवण कुमार फिर से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातर, वंदे मातर, जय हिंद। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, चेयरमैन साहब, गांव के सभी आए हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, आज आप लोगों से रूबरू होकर आपके दर्शन पाकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सोली गांव हमेशा ही अपने आप में एक आदर्श गांव रहा है और एक विशेषता भी रही है, जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मैं इस गांव को धन्यवाद देता हूँ। चुनाव का डेढ़ महीना बता रहा था मेरा बेटा, 34 दिन और रह गए, 25 और 9, 34 ही ना, 34वें दिन तो चुनाव हो ही जाएगा। 42 दिन गुण गिने जा, लगन से लगा के 42 तक रख है, तो आज ये 34 दिन बाकी रह गए, 33 ही रह गए। मैं तो एक विनती कर रहा हूँ, न किसी की मुझे बात करनी है, किसने क्या किया, कौन आगे क्या करेगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने सोली के लिए मेरी भावना थी वो ज़रूर कुछ किया, और आप लोगों ने जो भी कहा वो मैंने किया। एक बार मैं मेले बन के आया, एक बूढ़ी महिला थी कुमाऊतू के, तो मैंने क्या बोली, बेटा रात ने या लाइन हन कह रहा जार की या घर के ऊपर के मन मन सोनी कौन दे, मैं को माया हटा दू जिधर, बोले भाई हटा बोले कई हाँ भर के गया। मैं को भैया कई तो हाँ भर के गया, उनको तो मेरी गारंटी को ना, पर मैं मातन एक बात कह रहा हूँ कि 5 दिन में अब परे जाके पड़ेगी, ये कुमाऊँ तो क्या होंगे शायद, सही है ना आवाज, पा परे जाके पड़ी थी, बोले टा तू ही जा मैं जो हटा देने मान तो रात नींद को नहीं आएगा। सोली में आज पानी की बात करी थी, मेरी बूढ़ी माँ भी थी, देवियाँ भी थी, मैंने कहा बताया नहीं, एक कुआ मंजूर पड़ा है, कहो कि वहीं लगा दूंगा, पर एक बात कह दी मैं तो ईमानदार से, एक बात कह के जा रहे हूँ, 2025 हैं तो 26 की मार्च तक सोली गांव में नहर का पानी लाऊंगा। और मेरा चुनाव लड़ने को ज़्यादा शौक नहीं है, क्यों 5 बार मैं मेले बनी तो गया, सरपंच भी बन गया, प्रधान भी, लेकिन मेरा एक शौक था कि हमारे क्षेत्र में सड़कों की दशा बड़ी खराब थी। आज की तारीख में सूरजगढ़ विधानसभा में बड़ी रोड ऐसी कोई नहीं है जो खराब दशा में है, छोटी छोटी रोड जरूर कोई 2 किलोमीटर की रह गई होगी, वो तो कोई छोटी सी बात है कर ही देंगे, लेकिन बड़ी रोड एक भी नहीं है, चाहे पचेरी से बॉर्डर हो, चाहे आपके खांडवा से बॉर्डर हो, चाहे आपकी पिड़ोस से बॉर्डर हो, एक भी रोड ऐसी नहीं है जो आज की तारीख में काम नहीं चल रहा हो और चलने में है। आपको मालूम है कि कौन कौन एमएलए बने, सब आपको मालूम है, और क्या दशा थी सोली की,
अब भी मैंने एक मेघवान को होली में कुआ करवाया था, याद है क्या? याद है क्या? अभी करवाया था 5-6 महीने पहले, एक शेठ जी के घर के आगे करवाया था। और अभी दो एक और मंजूर है पानी के लिए, कसर तो छोटी गुनी पर धरती में पानी कम है, ये बात सत्य है। अगर पानी 25 नोजला को है तो एक कुएं पानी प्यादे सारे काम ने, पर 8-7 नोजला पानी है। मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि किसी की भावना के साथ कुठारा घात नहीं होगा, जो पानी की बात करें वो पानी पिलाएंगे। अब तो तारी सेवा की बात आई, ये एक बात मेरी और सुन लो भाई, सो जाओ कि गलती कर दी हो है तो माफ कर दियो, तारो थो तारो हो तारो रूंगो, पर बार बार मारो बना नहीं मरा गए छुटेगी। अब की बार सब गए, अब की बार श्रवण कुमार पर तेग होगा जितना को भी होगा श्रवण कुमार। अब की बार गैरला कुल बोल उनकी के नारा जी मेरो भाई, अब की बार इपकाल थोड़ा मजो सा आया भाई, ते क्या कौन बोलिए बोलिए ठीक ते भी आओगी ना को कपड़ा बदल बदल के 8-8, 10-10 ये तो शर्मा जाए घर। और घनगरी हरियाणा कोई कौन पकड़े, मेरी गारंटी है कौन पकड़ो सोली में कोई पकड़ा पकड़ में आओगे सोली वाला मैं घेर देखो। एक बार बता दूं, अब की बार एक तमन्ना है चुनाव लड़ने की, ये तमन्ना है कि हमने कुछ किया है और बहुत कुछ बाकी भी रह गया। सड़कें कर दी, स्कूलें खुलवाई, तो किसी ने 15 खुलवाई, किसी ने 10 खुलवाई, मैंने तो बोला मैं तो एक बात को, स्कूलें हैं 35-32 स्कूल खुलवा दी 32, तो मेरा कहना मतलब हमने तो किया है। स्कूलों का मामला था एजुकेशन का, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की आज जरूरत नहीं समझते होंगे, लेकिन 2-3-4 साल के बाद आपको इसके रिजल्ट सामने आएंगे। पानी की बात आई, पानी की जहाँ भी जरूरत थी वहाँ किया है, सड़कों की जहाँ जरूरत थी। मैं आपको एक मजे की बात बता रहा हूँ, मैं झांझा गया तो छाबड़ा जोड़ में, एक झांझा से 2 किलोमीटर पर गाँव है छाबड़ा जोड़, तो वहाँ मुँह कान गए तो गाँव वाला बोला रस्तों किसो हो, मैं रस्तों तो खराब हो, तो बोले ठीक कर दो मैं कर दांगा। एक आदमी बोलो क्यों झूठ बोलो, मैं झूठ कौन बोला सच्ची बोला कर दांगा, ये वो सड़क बन लग रही है, बन ली है ना साहब, मैं बात ही कर गया बन ली है ना चालू है। कहने का मतलब ये है कि जो कहा वो किया। अब एक काम करो, घसेडा से बामनवास की सड़क थी बड़ी खराब थी, चालू है ना, एक भी काम ऐसा नहीं है जो मुँह से बोला वो नहीं किया। इस कारण थे भी बोल दो हिम्मत करके कि श्रवण कुमार तने जिताऊंगा, कह दोगा कि सगड़ा ऊपर हाथ करके खो श्रवण कुमार तने जिताऊंगा, पक्की बात है। और कोई भाषण को नहीं जाता, ए टाइम तो एक ही भाषण है कि बोटिया दो। अच्छा भाषण क्या पर दूं, आरड़ो नेता और विधवा लुगाई के गीत का ध्यान करते बताओ, बताओ भाई आरड़ो नेता के भाषण दे और विधवा लुगाई के गीत गाले बेचारी उन तो बांध बिठाई रखे, बाप ब्याह के भीतर वो कांगन डोरो के बोलो हो वो बांधन खुंदी के बांधे बैठ अब बेचारी केक जोर कर ले बांधे बैठे, तो मारे भी आई हो रही है कांगन डोरो मारे बंदे खुन बांधे बैठा रखे, फिर भी लड़गुड़ा के तारे खातिर पानी सड़क बिजली लेके आयो। और एक बार तेपकाड़ा बढ़िया ना को प्या दो, मैं तारी ईमानदार जी कह रहा हूँ, खड़ा होकर कोई आदमी ये नहीं गया ये काम हुआ नहीं, आज जो 50 से तुम हारे हो लाख को जिताओ, 50 से तुम हारे हो तारो तो हारे हो, यो पाप थे ही तो करे हो तो धर्म भी थे ही करते हो। मतलब एक बात सुनो, पहला बुढ़ो आदमी मर जाता तो खर्च करा करता, वो 1 रुपये का लाता करता तो क्या कहता भाई 2 गालो आगे कया करता ना, बूढ़िया खड़े हो कया करता ना गुरु जी कया करता ना, 1 गालो भाई 2 गालो तो मेरे एक बार टाटियो मारते डबल करते हो लाख जिता दो मेरे पाप उतर जागो, और तारों भी भलो जागो तारों के बिगड़े को मेरे राजस्थान में रोड़ो जागो। राम विलास पासवान 5 लोग 20,000 वोटू जीता, इंडिया में आज भी वो रिकॉर्ड बीट किया हुआ है, तो राजस्थान में 60,000 जीतोड़ा ही कोई 55 जीतोड़ा ही, और थे
मेरा जज्बानो लाखे को ना को प्यादे तो राजस्थान में रिकॉर्ड बीट हो जाए, तारों के बिगड़े को मेरो रोड़ो जाए राजस्थान पूरे कि सरवणा रातो दियो पण भाई पतलो पूरो दियो और तारो किबी को बिगड़ो मेरी गारंटी है तारो भगवान बहुत में लग रहो जगह कुआरा छोरा बे ब्याह जागा मेरी गारंटी है। इपकाड़ा मैं यह आश्वास कर ले हूं और कोई कभी गुंदरेगी इपकाड़ा इपकाड़ा कह भी मत करके अरे लखे को ना को प्यादो किमी को बिगड़े प्यादो आगे प्यादो का भाई सारा प्याओ तू तारो के ढंग है देखे करोगा एक लाख नगद नगद वोट देता हूँ यो ठीक है यो पियोड़ो हमें सही बोला है। आपने देखा है जब भी चुनाव होते हैं कितनी लोग आके झूठ बोल जाते हैं कि तारा लिए या कह रहे हो ईरान गाड़ काट रहे हो उन या कर करे ना ये एक चौथी दिन तक करना मुझुखा दे दियो सुनियो बनाने की ऐसा झूठा ही मोदी या खेस का है कि 15 लाख बूढ़ा बाप बगैर खत्म कर 11 रुपया भी आएंगे कोई नहीं आए ना आदमी बोलो 2 करोड़ नौकरी दूंगा एकदम दिखे अरे कोई जाटा का हीरा का बामना करके छोरो ला जा तो नौकरी ब्याह जा तो मैं 4 साल का चिलकतरा बना दिया कोई ब्याह ही कौन जाए 4 साल को क्या नौकरी 4 साल बहुत जाके लाठी बजाओ ऐ लिए नौकरी तो 15-20 साल तक दी जो रुपया 60,000 ले रहे उन्हें बेचारे का आदमी घूम दिया कौन करेगा नौकरी ये सब बैठा था हमारा माल आ बना दे इसलिए नौकरी खत्म कर दी आदमी का रोजगार खत्म कर दिया सब कुछ खत्म कर दिया उसके बाद भी कही कहता है हर हर मोदी घर घर मोदी क्या है वजह आदमी को जीवन में विकास से जुड़ना चाहिए और वो विकास कौन कर रही है कांग्रेस पार्टी कर रही है 25 लाख तक की दवाई फ्री आप मर जाए कोई आदमी एक्सीडेंट हो जाए तो उसका बीमा बना रखा 10 लाख का आप देख रहे हो घर घर में दो दो किट गरीबों को ले अब तो एक भेजा करते दिवाली पर 2 भेज दिया हजारों योजनाएं हैं गांव गांव में योजनाएं इतनी 114 योजना लागू हैं जिनको आप गिनाने लगेंगे तो शाम हो जाएगी। आपको सबको मालूम है कि राजस्थान सरकार ने अब की बार बिजली फ्री खाना फ्री एजुकेशन फ्री दवाई फ्री इलाज फ्री सब कुछ फ्री कर दिया अब एक और काम कर दो ते भी वो वोट फ्री कर दो कर देंगे दिला देंगे ताना भगवान करे तो ठीक ही कर दो बीमार होनी को बैठ जाओ। आदमी जब सबसे स्वच्छ वो रहता है जब दवाया के बिना रहा वो स्वच्छ है दवाई लेने का काम ही नहीं पड़े ऐसा काम करो। पर मैं एक बात कह रहा हूँ लास्ट में हाथ जोड़ के अब की बार आपकी आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे जीवन का ये लास्ट चुनाव होगा पानी लेने के लिए आया हूँ मैं पानी लेकर के सोली में भिजवा के और देवियों के हाथ से गिलास का पानी पी के उसके बाद चुनाव लड़ने का शौक नहीं रहा एक ही शौक है कैसे जैसे भी करके चाहे मुझे शहीद होना पड़े पर मैं पानी लेके आऊंगा। आपको मालूम है सूरजगढ़ के रास्ता चौड़ा करने के लिए लोगों ने यह कहा था इतनी बड़ी बोल मत बोलो सरवण कुमार रास्ता चौड़ा नहीं हो सकता 150-150 साल की पुरानी कोठियां हैं ये टूट नहीं सकती। मैं कहा मेरे पिता जमीर है और जिगर भी है 150 साल की कोठी टूटेगी 9 दुकान मेरी तोड़ी मैंने पहले कितनी 9 दुकान मैंने मेरी तोड़ी और 177 गांव की तोड़ी और आपने देखा होगा आप सूरजगढ़ गए होंगे तो कितना चौड़ा रास्ता है 62 फुट चौड़ा है। इच्छा शक्ति हुई ना कोई सोच नहीं सकता था आज ये इच्छा शक्ति कह के जा रहा आपको सड़कों के लिए कहा था ये महावीर जी क्या करता बोला सड़क रह जाएगी तो मारा जाऊंगा रिको ना महावीर जी सब बढ़ गए ना ओ महावीर जी पूरा हो ये हमारा मेघबाण है लोटे का सरपंच एक दिन मैं रोड रोड जा रहे हो ये सागत एक महिला बोली आके बोली जी न्यू सरवण कह वो ही काम करते मारे घर का क्या रोड बनाते हो कि जी मुझे तेरे बता की इच्छा है बोली मैं तो दुख बहुत पा रही हूँ रोड बना दो बन गई साहब रोड पचल एक और बोलो खाते हैं ढाणी में बोलो जी वो काम में कह के हमारी भी खो पच के करो वो भी बन गई साहब दोनों रोड और एक बोली राठिया ढाणी आप लोटिया तक रोड फूट रही है वो भाभी कर देगा आप देखिए जो मुंह से बोला किया आज सोली गांव ये आदर्श गांव है ये बहादुरों का गांव है या कह के जा रहा हूँ 1000% 2026 तक पानी पिलाऊंगा और एक काम करती हूँ
लाख एक वोटा गैल को पाप कर रहा उतार लियो तारा सबका भगवान की मौत हो जाएगी। कर दोगा के कर दोगा भगवान तारा बहुत बलोग राम राम सा।